हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 7 परसेंट एंड परसेंटेज, एक्सरसाइज 7A, क्वेश्चन नंबर 12 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 11 कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सबने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट सिक्योर्ड 58% ऑफ द वोट्स पोल्ड एंड वन द इलेक्शन बाई 18,336 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एंड द वोट सिक्योर्ड बाई ईच कैंडिडेट। अब आप देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स तो नहीं है, तो सबसे पहले उसको सपोज करते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स बी एक्स। अब देखिए परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट्स को वोट्स मिली हैं 58% एंड लूजिंग कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिलेंगी। देखिए टोटल होती है परसेंटेज 100 की, 100 में से आपको 58 को माइनस कर देने तो आपके पास कितना आ गया 42%। अब देखिए जो आपका विनिंग कैंडिडेट है उसको मिले हैं 58% वोट्स एंड जो लूजिंग कैंडिडेट हैं उसको मिली है 42% वोट। अब दोनों की वोट में सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिफरेंस, और वो क्यों फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये बताया था कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 18,336 वोट्स है वो जीत गया, इट मीन्स इतनी वोट्स ज़्यादा मिली हैं। तो दो वो क्या है डिफरेंस बिटवीन देयर वोट्स। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन वोट्स परसेंटेज में पहले फाइंड करते हैं, 58 माइनस 42 तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 16% ऑफ द वोट्स पोल्ड। अब आपने ये कंसेप्ट ध्यान से समझना है कि उन्होंने बताया था जो विनिंग कैंडिडेट है वो 18,336 वोट से जीत गया, इट मीन उसकी इतनी वोट्स नहीं आई हैं, वो डिफरेंस है दोनों की वोट्स में, जितनी लूजिंग को मिली उससे ज़्यादा इतनी मिली हैं। तो इट मीन्स जो हमने ये परसेंटेज फाइंड की कि दोनों में परसेंटेज का डिफरेंस कितने और नंबर ऑफ वोट्स इन डिफरेंस भी हमें पता है। अब देखिए विनिंग कैंडिडेट इतनी वोट से जीते और ये कितने हैं 16% ऑफ द टोटल वोट्स, 16% ऑफ टोटल वोट्स जिसको हमने एक्सपोज किया था इज इक्वल टू 18,336। देन 16/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18,336। देन आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इन दोनों नंबर्स को इस साइड ले जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले 2 के टेबल में कट कर लेते हैं, 2 8s, देन 2 9s, 2 1s, 2 एंड 2 6s हमारे पास आ गया 12 एंड देन 2 8s। 8 के टेबल में भी जा सकता है, 8 1s, 8 देन 8 1s, 8 अगेन 8 4s एंड हमारे पास आ गया 8 6s। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, हमारे पास आ गया 114,600। इट मीन्स टोटल वोट्स आ गई हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज इक्वल टू 114,600। ये आ गई आपकी टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। अब हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट स्टेप, देन आपको निकालना था ईच कैंडिडेट ने कितने वोट्स जीती हैं, तो विनिंग कैंडिडेट की भी निकाल लेते हैं और लूजिंग कैंडिडेट की भी। वोट सिक्योर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट, देखिए विनिंग कैंडिडेट्स की परसेंटेज थी 58%, तो टोटल वोट्स का 58% विनिंग कैंडिडेट्स को मिला है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों जीरोस को कैंसिल एंड इन नंबर्स को कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, हमारे पास आ गया 66,468 वोट्स। देन अब लूजिंग कैंडिडेट को कितनी मिलेंगी उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, 42% ऑफ टोटल वोट्स। देन अगेन 0 0 कैंसिल, 42 को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा 48,132। तो आपने ईच कैंडिडेट के वोट भी निकाल लिए और यहाँ पे टोटल वोट्स भी निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 13, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट सिक्योर्ड 47% ऑफ वोट्स पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय 12,366 वोट्स।
फाइंड द टोटल वोट्स पोल्ड एंड द वोट्स सिक्योर्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट्स। अब देखिए, जिस कैंडिडेट के 47% वोट आए हैं वो इलेक्शन को लूज कर दिया है उसने। इलेक्शन लॉस्ट बाय हाउ मेनी वोट्स? 12,366। एंड आपको टोटल वोट्स भी निकालने और विनिंग कैंडिडेट के कितने वोट्स आए हैं वो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट द टोटल वोट्स पोल्ड बी एक्स। टोटल वोट्स हमें नहीं पता, उसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स। अब यहाँ पर देखिए, लूजिंग कैंडिडेट सिक्योर करता है 47% ऑफ द वोट, देयरफॉर विनिंग कैंडिडेट कितनी वोट सिक्योर करेगा? आपको टोटल वोट्स कितनी होती हैं? 100 की। तो आपको 100 में से 47 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, आपके पास आ गया 53%। अब डिफरेंस इन देयर वोट्स देखिए, आपको 53 में से 47 माइनस करना है, आपके पास आ गया 6%। तो डिफरेंस ऑफ वोट्स कितने हैं? 6% ऑफ द वोट्स पोल्ड, वोट्स पोल्ड। अब देखिए क्वेश्चन में मैं क्या दिया था, द कैंडिडेट हु लॉस्ट द इलेक्शन, उसके कितनी वोट्स थे? 47%। एंड कितने से इलेक्शन को लॉस किया है उसने? 12,366। इट मींस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस भी 6% है, और इन दोनों की जो कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट है और जिसने लॉस्ट किया अपने इलेक्शन को, दोनों की जो वोट्स का डिफरेंस है वो भी हमें पता है। तो हम लिखेंगे 6% ऑफ टोटल वोट्स इज इक्वल टू 12,366। देन 6% ऑफ x मीन्स मल्टीप्लाई 12,366। अब आपको सॉल्व कर देना है x की वैल्यू कैसे आएगी 12,366 से। इन दोनों नंबर्स को हम इस साइड ले आएंगे, रेसिप्रोकल हो गया, डिवाइड हो रहा है 100 इस साइड मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 6 के टेबल में जा सकते हैं, 6 1 6 6 2 12। हमें टू डिजिट एक साथ लेने हैं तो एक ज़ीरो लगेगी, देन 6 6 36 6 6 1। आपके पास टोटल नंबर्स ऑफ वोट आ गई 2061 को 100 से मल्टीप्लाई करके 2,06,100। ये आ गई आपकी टोटल वोट्स पोल्ड। अब आपको क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, हमें ये भी फाइंड, टोटल वोट्स के बाद आपको फाइंड करना था वोट्स सिक्योर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट। तो आप यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास विनिंग कैंडिडेट की परसेंटेज ऑलरेडी है, 53% ऑफ 2,06,100, देन 53 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 इंटू दिस, देन 0,0 कैंसिल। आपको 53 को मल्टीप्लाई कर देना है 2,061 से, तो आपका आंसर आ गया 1,09,233, 1,09,233। और टोटल वोट्स कितनी है हमारी? इतनी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 15% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। इफ द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द स्कूटर इज ₹8,000, फाइंड इट्स कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर एंड आफ्टर 2 ईयर। अब देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कॉस्ट इन डिक्रीज होना। सपोज आपके जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ स्कूटर हमें दी हुई है 8,000, वो एवरी ईयर, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है 15% एवरी ईयर, हर साल एवरी ईयर आपके जो स्कूटर की है वो कॉस्ट 15% डिक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए कॉस्ट कितनी होगी? तो 15% ऑफ 8,000, ओरिजिनल वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का ही आएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 8 120, और एक ज़ीरो ऑलरेडी थी। ये आ गई आपकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट, इतना डेप्रिसिएशन हुई है। तो कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर क्या आएगी? जो इसकी प्रेजेंट कॉस्ट थी उसमें से डेप्रिसिएशन हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास आ गया 6,800। अब देखिए, आपको फिर से नेक्स्ट पार्ट था आपका कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर्स के बाद कॉस्ट कितनी होगी? पहले सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी होगी। सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? अगेन 15%
कोर्स तो आपको 15% रेट तो दिया ही हुआ है, 15% ऑफ। अब देखिए, जब डेप्रिसिएशन आपको हर ईयर पे लग रही है एवरी ईयर पे, तो आपको न्यू प्राइस पे लगानी है जो नेक्स्ट ईयर के एंड में होगी। अब जब फर्स्ट ईयर के एंड में आपके पास क्या था, पहले हमने हमारे पास 8,000 था स्टार्टिंग में, उसमें 15% हमने डेप्रिसिएशन लगाई, देन हमारी अब प्राइस आ गई, कॉस्ट हो गई स्कूटर की 6,800। अब इस प्राइस पे आपको डेप्रिसिएशन लगानी है, अगेन जीरो जीरो कैंसिल। अब देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1020। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है सेकेंड ईयर के लिए। तो कॉस्ट ऑफ स्कूटर क्या होगी टू ईयर्स बाद, अब हमारी जो प्रेजेंट स्कूटर की कॉस्ट थी उसमें से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, तो आपका आंसर आ गया 5780 रुपीस। तो ये है स्कूटर की कॉस्ट आफ्टर टू ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन एग्जामिनेशन द पास मार्क्स इज 40%, इफ अ कैंडिडेट गेट 65 मार्क्स एंड फेल बाय 3 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। अब देखिए कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, 40%, कैंडिडेट के 65 आए हैं, पर फिर भी वो फेल हो गया, कितने मार्क्स से, 3 मार्क्स से वो फेल हो गया, हमें बताने हैं मैक्सिमम मार्क्स। अब देखिए, सबसे पहले आपको लेना है, लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट्स कितने हैं 65, कैंडिडेट फेल्ड बाय 3 मार्क्स, पासिंग मार्क कितने हुए, इट मीन्स अगर उसको 65 में 3 और मिल जाते तो आ जाते 68, क्योंकि वो 3 मार्क्स से फेल हुआ है तो 68 मार्क्स आ जाते तो वो पास हो जाता। अब पासिंग परसेंटेज कितनी है 40%, इट मीन्स अगर आप टोटल का 40% ऑफ ओरिजिनल मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करें तो वो होंगे 68, क्योंकि 68 क्या है, पासिंग मार्क्स, और अगर आप टोटल मार्क्स का 40% निकाल देंगे वो भी पासिंग मार्क आएंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 68, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 68 इंटू 100 अपॉन 40, 00 कैंसल, 4 1 4, देन 4 1 4 2 बच गए, 2 8 28, 4 7 28, एक्स इज इक्वल टू 17 × 10 170। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 170। क्वेश्चन नंबर 16, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, इफ द पास परसेंटेज 35%, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। अगेन आपको इस क्वेश्चन में भी अपने मैक्सिमम मार्क्स को सपोज कर लेना है एक्स, और कैंडिडेट के कितने मार्क्स आए हैं 125, कितने मार्क्स के फेल हो गया 15 मार्क्स से, पासिंग मार्क्स कितने हुए 125 प्लस 15, तो पासिंग मार्क्स हो गए आपके पास 140, 35% पासिंग परसेंटेज, मीन 35% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 140, देन एक्स की वैल्यू निकालनी है 140 × 100 डिवाइडेड बाय 35। अब आप देखिए कंटिन्यू हो सकती है इसकी 5 के टेबल में, जैसे 5 2 10 एंड 5 8 40, 5 7 7 1 एंड 7 4 देन 4 × 100 आपके पास आ गया 400। तो मैक्सिमम मार्क्स आ गए हमारे इस एग्जामिनेशन में कितने 400। देन अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ऑफ 150 क्वेश्चंस जोन गोट 80% करेक्ट आंसर एंड मोहन गोट 64% करेक्ट आंसर्स, फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है हाउ मैनी करेक्ट आंसर डिड ईच गेट, देन इन सेकेंड वट परसेंट इज मोहन्स करेक्ट आंसर टू जोन्स करेक्ट आंसर्स। अब देखिए एग्जामिनेशन में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 150, जोन गोट 80% करेक्ट आंसर एंड मोहन गोट 64% ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर जोन के कितने होंगे, 80% का साइन हटा के नीचे 100, 80% ऑफ टोटल कितने है 150, 00 कैंसिल, ये भी 00 कैंसिल, 15 8 120, तो 150 में से जोन ने 120 करेक्ट आंसर्स दिए हैं और मोहन ने दिए हैं 64% ऑफ 150, अगेन 00 कैंसिल, 5 के टेबल में जा सकते हैं, 5 2 5 3 देन 2 1 and 32। अब आपको 32 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ गया 96। अब मोहन ने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं, मोहन ने दिए हैं 96 करेक्ट आंसर्स। देन दोनों के फर्स्ट पार्ट तो यही था कि आपको दोनों के नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स फाइंड करने थे,
सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ मोहन्स करेक्ट आंसर टू जॉन्स करेक्ट आंसर्स। अब देखिए मोहन के करेक्ट आंसर्स कितने हैं 96 और जॉन के कितने हैं 120। हम इन दोनों को देखिए परसेंटेज फाइंड करनी है ना किस पे, मोहन की जॉन के मार्क्स पर जो करेक्ट आंसर्स हैं। तो मोहन के करेक्ट आंसर डिवाइडेड बाय जॉन के इनटू 100, 0 कैंसिल, देन 12 के टेबल में जा सकते हैं सीधा, 12 वन्स एंड 12 एट्स आर 96। तो 8 × 10 आपके पास आ गया 80%। तो मोहन की जॉन के आंसर्स पे क्या परसेंटेज है 80%। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर 8000 इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% देन डिक्रीज बाय 20%। पहले वो 8000 जो हमारा एक नंबर है उसको इंक्रीज किया 20% से, देन जो वैल्यू आएगी उसको डिक्रीज कर दिया 20% से। फाइंड द रिजल्टिंग नंबर। अब आपके पास ओरिजिनल नंबर क्या है 8000। देखिए सबसे पहले हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या हुआ है इंक्रीज्ड बाय 20%। तो पहले हम इंक्रीज वैल्यू निकालते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन वैल्यू, वैल्यू में कितना चेंज आया तो दैट इज 20% ऑफ ओरिजिनल नंबर। अब मैंने क्या किया परसेंटेज का साइन हटा के सीधा नीचे 100 लगा दिया है, तो हमारी 2020 से कैंसिल एंड हमारे पास आ गया 2816 और पीछे 20s, 1600 से इंक्रीज हुआ। देन न्यू इंक्रीज्ड नंबर, जो आपका इंक्रीज नंबर है वो क्या है यहाँ पे हम लिखते हैं इंक्रीज्ड नंबर मीन्स जो हमारा वैल्यू इंक्रीज होने के बाद आ रहा है, तो दैट इज 8000 प्लस 1600 दैट इज 9600। अब ये नंबर डिक्रीज हुआ है कितने से अगेन 20% से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू, तो वो कैसे आएगा 20% साइन हटा के नीचे 100 इंटू 9600। पहले आपका नंबर 20% से इंक्रीज हुआ तो हमने इंक्रीज नंबर निकाला, अब आप उसको फिर से क्या करेंगे इसी नंबर को न्यू नंबर को डिक्रीज करना है, तो हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ गया 1920। अब हमें क्या फाइंड करना है डिक्रीज इन नंबर, तो न्यू नंबर जो डिक्रीज हुआ तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिक्रीज्ड नंबर इज इक्वल टू, इतने से डिक्रीज हुआ है तो आपको क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है किस में से, इसको माइनस कर देते हैं 9600 में से, 9600 में से आपको 1920 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास आ गया 7680। तो ये आ गया आपका डिक्रीज नंबर और आपका जो रिजल्टिंग नंबर है वो भी सेम है, तो आप क्या लिख देंगे रिजल्टिंग नंबर आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन योर रिजल्टिंग नंबर इज 7680। अब देखिए इसी क्वेश्चन का हमारा रिजल्टिंग नंबर तो आ गया, इसी क्वेश्चन को हम एक और वैसे भी कर सकते हैं, कैसे हमें पता है एक बार इंक्रीज हो रहा है नंबर एक बार डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ऐड होता है डिक्रीज माइनस होता है, तो आप रिजल्टिंग नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल टू जो भी आपका ओरिजिनल नंबर है, ठीक है आपको लिखना है ओरिजिनल नंबर इनटू 1 प्लस इंक्रीज परसेंटेज देन 1 माइनस डिक्रीज परसेंटेज। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 8000 इनटू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 1 प्लस 20 अपॉन 100, यहाँ पर 1 माइनस 20 अपॉन 100। अब आप देखिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं सीधा, जहाँ यहाँ पर कट हो सकता तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, तो यहाँ पे 8000 एज इट इज। देन अब देखिए ये है 1 अपॉन 5, तो नीचे कुछ नहीं हमने 1 ले लिया, एलसीएम में 5 भी आएगा, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 1 ज़ा 5, और जब आपका डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आता है सेम यहाँ पर भी होगा, 1 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो आप जो फर्स्ट हमने मेथड किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और ये मेथड भी, दोनों में से जो आपको ईजी लगे, 5 प्लस 1 6 ओवर 5, देन 5 माइनस यहाँ पे 1 4 ओवर 5। अब आपको कटिंग कर लेना है, देन 5 1 ज़ा 5
फाइव वन ज़ा फाइव, देन हमारे पास क्या बच गए, 330, फाइव सिक्स ज़ा एंड टू ज़ीरोज़, अगेन फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव थ्री ज़ा 15, फाइव टू ज़ा 10 एंड ज़ीरो। अब हमें 320 इंटू सिक्स फोर ज़ा 24, इनको मल्टीप्लाई कर देने हमारा आ जाएगा रिजल्टिंग नंबर। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपका सेम आंसर आएगा जो ऊपर आया है। तो आपको जो मेथड अप्लाई करना है आप दोनों को अप्लाई, दोनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास क्या है, द नंबर 12,000 इज़ फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द रिजल्टिंग नंबर। अब देखिए आपके पास जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो है 12,000, अब डिक्रीज इन वैल्यू कैसे फाइंड करना है आपको, 25% ऑफ ओरिजिनल नंबर, ज़ीरो ज़ीरोज़ कैंसिल, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब ये अभी आपके पास आया है डिक्रीज इन वैल्यू 3,000, देन वैल्यू को जब डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज नंबर क्या आया आफ्टर सब्ट्रैक्शन, आपके पास आया 9,000, ये आ गया आपका न्यू नंबर आफ्टर डिक्रीज। अब देखिए हमने डिक्रीज नंबर निकाल लिया, अब आपको इंक्रीज करना है वैल्यू को 25% से न्यू नंबर का, तो ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, बस हमें क्या करना है दोनों को मल्टीप्लाई, तो 25 को हमें 90 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आ गया 2250। अब हमें फाइंड करना है अपना इंक्रीज्ड नंबर, इंक्रीज्ड नंबर इज इक्वल टू व्हाट, इंक्रीज नंबर क्या होगा हमारा, 9000 में ऐड कर देंगे अपने इस नंबर को, तो जब हमने इसको ऐड कर दिया हमारे पास आ गया 11,250, तो ये आ गया आपका रिजल्टिंग नंबर। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिजल्टिंग नंबर, आपका इंक्रीज नंबर जो फाइनल में आया वही है आपका रिजल्टिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 30%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। अब हमें परसेंटेज चेंज फाइंड करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कोई वैल्यू या कोई नंबर तो दिया ही नहीं, ओनली परसेंटेज गिवन है, तो हमें कॉस्ट को खुद सपोज करना है। तो द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% देन डिक्रीज बाय 30%, तो हम ले लेते हैं लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल बी ₹100। अब देखिए हम एक्स भी सपोज कर सकते हैं, बट जब आपको क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हम एक्सरसाइज में, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि जब हमारे पास कोई भी नंबर गिवन ना हो तो हम उस पर एक्स की प्लेस पे 100 ले सकते हैं, ज़्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब आपके पास कोई नंबर नहीं है, जैसे कोई वैल्यू नहीं दी, ओनली परसेंटेज गिवन है, तो आप कोई भी कॉस्ट को या कोई वैल्यू को अगर सपोज करना है तो आप 100 सपोज कर सकते हैं। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट को मैंने क्या ले लिया 100, अब फर्स्ट हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है 20% से, तो पहले हम लिखते हैं इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ 20, परसेंटेज का साइन हटा के 100, 20% ऑफ 100, तो 100 कैंसिल होके 20 ही आएगा, तो इंक्रीज्ड कॉस्ट क्या आ गई आपकी, इंक्रीज्ड कॉस्ट क्या होती है जब हम इंक्रीज वैल्यू को ऐड कर देते हैं ओरिजिनल में, तो ओरिजिनल में 20 ऐड हो जाएंगे, आपके पास आ गया 120। अब ये डिक्रीज हुआ है कितने से, 30% से, तो अब हम फाइंड करेंगे डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट में कितना डिक्रीज हुआ है 30% ऑफ 120, जो आपकी न्यू वैल्यू आती है उसी का डिक्रीज करना होता है आपको, 0 0 कैंसिल, ये भी 0 0 कैंसिल, देन 12 × 3 आपके पास आ गया 36, देन अब हम फाइनल यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज्ड कॉस्ट, जो फाइनल कॉस्ट है हमारे पास 120 में से हमें माइनस कर देना है 36, देन हमारा आंसर आया 84। अब ये आपका फाइनल रिजल्टिंग नंबर है, ठीक है, आप उसको उसको फाइनल कॉस्ट भी लिख सकते हैं, फाइनल कॉस्ट जो आपकी आ गई वो है ₹84। अब देखिए आपकी फाइनल कॉस्ट आ गई ₹84, ओवरऑल चेंज कितना होगा, जितनी भी ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से आपको फाइनल को माइनस करना है, अगर हमारी फाइनल इंक्रीज वैल्यू होती तो हम फाइनल में से ओरिजिनल माइनस कर देते, तो 100 - 84 16 आ गया रिक्वायर्ड परसेंटेज, जो हमें परसेंटेज चेंज फाइंड करनी थी,
तो आपकी परसेंटेज चेंज, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू 16/100, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू लेनी है, इंटू 100 कैंसल, आपका आंसर आ गया 16%। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड देन फर्दर डिक्रीज बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। अगेन हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बी 100, डिक्रीज इन कॉस्ट कितने है 25%, का साइन हटा के 100 × 100 देन कैंसल, आपके पास आया 25, डिक्रीज्ड कॉस्ट कितनी आ गई 100 − 25 दैट इज 75 रुपीज़। अगेन डिक्रीज हुआ है कॉस्ट में, कितना डिक्रीज हुआ है 40% का, और कौन सी वैल्यू का 75 का, तो 40% ऑफ 75, 0 0 कैंसल, देन 2 के टेबल में 2 2s एंड 2 5s, 5 1s एंड 5 15s, 15 × 2 हमारे पास आ गया 30। अब आपको लिखनी है रिजल्टिंग कॉस्ट, जहाँ बोल सकते हैं फाइनल कॉस्ट, तो 75 में से 30 को माइनस करेंगे, हमारी फाइनल कॉस्ट आई 45। देन हमें परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू, अब हमें पहले फाइनल वैल्यू निकालनी थी, तो टोटल ओवरऑल चेंज पहले निकाल लेते हैं, हम लिखते हैं ओवरऑल चेंज इज इक्वल टू 100 में से 45 को माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ गया 55। परसेंटेज चेंज कितनी आएगी, जो आपका ओवरऑल चेंज है ओवर ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, 100 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 55%। अब देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का भी आंसर आ गया 55%, एंड इसके साथ साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज 7A कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 7B एक्सरसाइज, एंड आई होप आप सबको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।